दिस इज ओमिन यूर वॉचिंग MRFC Locks, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। अभी आपके सामने जो है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक जो है मॉडल खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में जो है सारा कुछ डिटेल्स आपको देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, आपको नॉर्मल वाला खरीदना चाहिए फिर इसको नहीं इसको खरीदना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें ग्राफिक्स वगैरह में, डिज़ाइन वगैरह में जो है अपडेट्स आए हैं और मीटर कंसोल में अपडेट्स वगैरह आया है, तो उसके बारे में बताऊँगा। पीछे से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, एज सच एज सेम है। यहाँ पर गार्ड वगैरह स्प्लेंडर प्लस और एक्सटेक की बैजिंग नीचे में दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर हीरो की जो बैजिंग भी है वो भी 3D में है और यहाँ पर ऐसी कुछ इसकी मीटर कंसोल है। मीटर कंसोल में आपको रियल टाइम माइलेज और स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, सारा कुछ डिजिटल देखने मिल जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्यूल इकोनॉमी, इंजन मालफंक्शन, न्यूट्रल इंडिकेटर और साइड स्टैंड जो है इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं गोल में अलग से। यहाँ पर फ्यूल गेज का भी जो है पूरा कुछ डिजिटल देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ राइट साइड के पैनल में है। यहाँ पर सेल्फ की स्विच है, इसकी जो सामने अपडेट है इसकी जो है काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। हेडलाइट में कोई भी चेंज नहीं किया है, बस इसमें जो है डेडिकेटेड एक DRL देखने को मिल जाता है। तो इसकी कुछ जो है साइलेंसर की साउंड सुन लीजिए। तो इसके बाद जो है इसमें और कुछ अपडेट्स वगैरह अभी तो नहीं आया है, ऐसा देख सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो करीब करीब 5 से 6 हज़ार बढ़ चुकी है। देन इसकी जो है 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंजन आती है, सिंगल सिलेंडर 97.2 cc की एयर कूल्ड इंजन आती है विथ F5। फ्रंट टायर स्पेसिफिकेशन 80x118 इंच की ट्यूबलेस टायर दोनों में आपको मिल जाता है विथ IBS ब्रेकिंग सिस्टम। इस बाइक में आपको डिस्क वेरियंट नहीं देखने को मिलता है। पावर की बात करें तो 7.9 BHP @7000 RPM पर प्रोड्यूस कर देती है आराम से। देन इसकी सीट हाइट आपको 785 mm की मिल जाती है। फ्यूल टैंक आपको 9.8 liters की मिल जाती है। फ्यूल इकोनॉमी इसकी 75+ kilometer आराम से मिल जाती है पर लीटर की। और पीछे में कुछ भी अपडेट्स वगैरह नहीं आया है, तो फिलहाल ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है या नहीं, फिर आप इसकी कंपैरिजन वीडियो भी आ जाएगी। फिलहाल ये डिटेल वीडियो थी, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद जो है इसकी जो नॉर्मल वेरिएंट है ये भी देख लो। तो इसमें जो है और इसमें क्या वो है, इसमें जो है DRL नहीं आता, बाकी हेडलाइट सेम है और मीटर कंसोल जो है इसमें एनालॉग देखने को मिलता है, ऐसा कुछ है। तो इसमें स्पीडोमीटर और माइलोमीटर और फ्यूल गेज वगैरह देखने को मिलता है, सारा कुछ एनालॉग है और पीछे से तो सब कुछ सेम है। इस नॉर्मल वेरिएंट में बहुत सारा आपको कलर्स ऑप्शन और डिजाइनिंग ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, तो वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।